विद्यार्थियों, भारतीय आदर्श विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आरसी राय का जीके टीचर, कृषि पर्यवेक्षक। दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक के लिए मैंने पहला कालीबंगा का वीडियो बनाया था, आप लोगों को पसंद आया होगा। और हमारे मदन जी सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मौका दिया है। और दोस्तों, आज मैं कालीबंगा के बाद आज आपको दूसरी सभ्यता पढ़ाऊंगा राजस्थान की। कल हमने लोगों ने कालीबंगा पढ़ा था। कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है दोस्तों? काली रंग की चूड़ियाँ होता है। आज दोस्तों हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे वो हमारी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? आहड़ सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, जिस सभ्यता की बात कर रहा हूँ वो हमारी है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। हाँ जी दोस्तों, आहड़ सभ्यता। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आहड़ सभ्यता की बात कर रहा हूँ जी दोस्तों। ध्यान से सुनना, राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सभ्यता। कालीबंगा के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल है। वो हमने सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़ी थी, वो नगरीय सभ्यता पढ़ी थी। आज इसके बारे में हम लोग ग्रामीण सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता थी। ध्यान से देखना, इनकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इनमें पाया गया, ये कहाँ है, इनके बारे में दोस्तों हम लोग चर्चाएँ करेंगे। तो देखना दोस्तों, आहड़ सभ्यता। इस सभ्यता स्थल की बात करें तो दोस्तों यह सभ्यता स्थल दोस्तों कहाँ है? ध्यान रखना, यह सभ्यता स्थल दोस्तों देखना कहाँ है। इस सभ्यता स्थल की बात करें तो दोस्तों यह है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। हाँ दोस्तों, ये सभ्यता स्थल है का उदयपुर में। और दोस्तों उदयपुर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उदयपुर के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, राजस्थान की झीलों की नगरी। राजस्थान की झीलों की नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर। वही उदयपुर दोस्तों जहाँ महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रही है, जहाँ महाराणा प्रताप का क्षेत्र रहा है। महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह, क्या नाम था? उदय सिंह। उदय सिंह के द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना की गई थी दोस्तों। कब की गई थी दोस्तों? ध्यान रखना, 1559 ईस्वी में। कब की गई थी? 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह। मित्रों याद रखना, किसके द्वारा? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? 1559 में की गई थी दोस्तों। उदयपुर गिरवा की पहाड़ियों में, किस पहाड़ियों में बसा हुआ है? गिरवा की तस्त्रानुमा पहाड़ियों में बसा हुआ है। तो जो आहड़ सभ्यता स्थल है वो कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर। हाँ दोस्तों देखना, उदयपुर की बात करें दोस्तों, देखना उदयपुर कहाँ है। उदयपुर सभ्यता की बात करें तो दोस्तों देखना, यह है उदयपुर। देखना, यह है उदयपुर। और इसी सभ्यता में, इसी उदयपुर में जिस सभ्यता का विकास हुआ था, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? आहड़ सभ्यता। यह कौन सा है? उदयपुर शहर। कौन सा शहर है ये? उदयपुर शहर। और उदयपुर शहर में जिस सभ्यता का विकास हुआ था वो कौन सी सभ्यता है हमारी? आहड़ सभ्यता। तो दोस्तों देखना, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। तो दोस्तों उदयपुर शहर की बात कर रहे थे, और उदयपुर शहर में जिस सभ्यता का विकास हुआ था वो हमारी कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। दोस्तों देखना, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। तो इस सभ्यता स्थल की बात करें तो कहाँ है? उदयपुर में। और इस सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ दोस्तों? ध्यान रखना, नदी की बात करें तो दोस्तों इस नदी का नाम था बेड़च। कौन सी नदी है? बेड़च। कौन सी है? बेड़च। कौन सी नदी है दोस्तों? बेड़च नदी, या इसे दोस्तों कहा जाता है आयड़। कौन सी नदी कहा जाता है? आयड़ नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? आयड़ नदी कहा जाता है। इस बेड़च या आयड़ नदी की बात करें तो इनका उद्गम, दोस्तों उद्गम, इसका उद्गम हुआ था गोगुंदा की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से हुआ था? गोगुंदा की पहाड़ियों से हुआ था। दोस्तों किस पहाड़ियों से हुआ था? गोगुंदा की पहाड़ियों से हुआ था। यानी इस नदी पर एक झील बनवाई थी उदय सिंह ने, जिस झील का नाम है उदयसागर। कौन सी है? उदयसागर। कौन सी झील है? उदयसागर। तो दोस्तों ध्यान रखना, आयड़ या बेड़च नदी पर जो झील बनी हुई है उस झील का नाम है उदयसागर। कौन सी झील है? उदयसागर झील है। और उदयसागर झील की बात करें तो उदयसागर झील तक इस नदी का नाम आयड़ रहता है। उदयसागर झील की जलापूर्ति करने के बाद इस नदी का नाम दोस्तों क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। हाँ मित्रों ध्यान से सुनना, मैं जिस सभ्यता की बात कर रहा हूँ उस सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता। क्या नाम है? आहड़ सभ्यता। और किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्तों बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा के पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियों उदयपुर से होता है। कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों उदयपुर से होता है। और उद्गम स्थल से लेकर उदयसागर झील तक इस नदी का नाम क्या होता है? दोस्तों आयड़ नदी। क्या आता है? आयड़ नदी। और उदयसागर झील की जलापूर्ति के बाद इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च। दोस्तों ध्यान रखना, बेड़च की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीरी। क्या नाम है? गंभीरी। बेड़च और गंभीरी के संगम पर, बेड़च और गंभीरी के संगम पर राजस्थान का गढ़ों का सिरमौर गढ़, जिसके बारे में कहावत की गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, यानी राजस्थान के गढ़ों का सिरमौर गढ़, राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं? चित्तौड़ को कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों किस दो नदियों के संगम पर है? तो ध्यान रखना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ शहर तो है बेड़च नदी के संगम, बेड़च नदी के किनारे, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर। किन किन नदियों के दो संगम पर है? गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, राजस्थान सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट वाला दुर्ग दोस्तों, मेवाड़ के महाराणाओं की गौरवस्थली कहते हैं चित्तौड़ को। किसको कहते हैं? मेवाड़ के महाराणाओं की गौरवस्थली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो दोस्तों देखना, जैसे दिखाता हूँ अभी आपको ये नदी कैसी है, यानी जिस नदी की बात करें दोस्तों वो कौन सी नदी है। देखना ये नदी, ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से नदी, ये देखिए दोस्तों आयड़ नदी, बेड़च नदी, ये गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों से इस नदी का क्या हो रहा है दोस्तों? उद्गम हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? उद्गम हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। तो कौन सी नदी के किनारे थे? आयड़ या बेड़च नदी। अभी आपने देखा इनका देखा होगा, ये देखो आयड़ नदी या बेड़च नदी, इस नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। इस सभ्यता की बात करें, यानी इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का खोज कार्य या खोजकर्ता दोस्तों देखना आयड़ सभ्यता, यानी आयड़ सभ्यता या आहड़ सभ्यता का खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता थे अक्षय कीर्ति व्यास। कौन थे दोस्तों? अक्षय कीर्ति व्यास। क्या नाम था? अक्षय कीर्ति व्यास। हाँ मेरे दोस्तों बड़े ही प्यार से देखना, आहड़ सभ्यता का खोज कार्य किसके द्वारा किया गया था? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। मेरे लाडलो ध्यान से सुनना, अक्षय कीर्ति व्यास, यही अक्षय कीर्ति व्यास इस सभ्यता का उत्खनन का कार्य करता है 1953 ईस्वी में। यानी इस आहड़ सभ्यता का खोज कार्य किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब किया था मेरे लाडलो? 1953 में। कब किया था? 1953 ईस्वी में किया था। तो ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता का खोज कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में किया था। हाँ मेरे लाडलो आगे चलता हूँ मैं, इसी सभ्यता का उत्खनन, हाँ लाडलो उत्खनन की बात कर रहा हूँ मेरे लाडलो, गौर से सुनना। उत्खनन मेरे दोस्तों, उत्खनन हम दो स्तरों पर पढ़ेंगे इनका उत्खनन मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो दो स्तरों पर पढ़ेंगे। दो स्तरों की बात करें तो पहली बार इनका उत्खनन किया गया था 1956 में, जिसे कहा जाता है लघु स्तर। क्या कहा जाता है? लघु स्तर पर। लघु स्तर पर उत्खनन किया गया था मेरे लाडलो 1956 में। किसके द्वारा किया गया था? रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम था? रतन चंद्र अग्रवाल। हाँ दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम था? रतन चंद्र अग्रवाल। हाँ दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षकों ध्यान से सुनना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछा जाता है कृषि पर्यवेक्षकों की आहड़ सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था? 1956 में। किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। लघु स्तर पर, किस स्तर पर किया गया? लघु स्तर पर। तो इसका खोज कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था 1953 में, और उत्खनन का कार्य 1956 में किसने? रतन चंद्र अग्रवाल पहली बार किया था। दोस्तों दूसरी बार उत्खनन की बात करूँ, दूसरी बार उत्खनन तो देख दोस्तों ध्यान से रखना, ध्यान रखना। दूसरी बार मेरे लाडलो, मेरे प्यारे, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी बार जो उत्खनन किया गया था वो किया गया था 1961-62 ईस्वी में। कब किया गया? 1961-62 ईस्वी में। दो व्यक्ति दोस्तों पुन्ना विश्वविद्यालय से आए थे। कौन से आए थे? पुन्ना विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे दोस्तों। और धीरजलाल सांकलिया, क्या नाम था? धीरजलाल सांकलिया, हाँ दोस्तों सांकलिया। इनका पूरा नाम है HDRS सांकलिया, HDRS सांकलिया भी बोलते हैं, धीरजलाल सांकलिया भी बोलते हैं। इनका एक सहयोगी आया था जिसका नाम था डॉक्टर वीसी मिश्र। दोस्तों याद रखना, डॉक्टर वीसी मिश्र आया था। कौन आया था? डॉक्टर वीसी मिश्र यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र। कौन आया था? वीरेंद्रनाथ मिश्र आया था। कौन आया था? वीरेंद्रनाथ मिश्र। मेरे लाडलो, इसका उत्खनन पहली बार रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में किया, दूसरी बार 1961-62 ईस्वी में धीरजलाल सांकलिया ने किया, और इसका सहयोगी आया था वीसी मिश्र। कौन आया था? वीसी। मेरे लाडलो ध्यान रखना, मेरे लाडलो ध्यान रखना, उत्खनन के दौरान राजस्थान पुरातात्विक विभाग के द्वारा, राजस्थान दोस्तों मेरे लाडलो ध्यान रखना, राजस्थान पूरा तात्विक विभाग जिसकी स्थापना कालाइल के द्वारा की गई थी, पुरातात्विक विभाग। और राजस्थान पुरातात्विक विभाग से दो बंधु आए थे। कौन आए थे? दो बंधुओं की बात करता हूँ मेरे मित्रों, ध्यान रखना। एक व्यक्ति का नाम था पीसी चक्रवर्ती। क्या नाम था? पीसी चक्रवर्ती। दूसरे व्यक्ति का नाम था विजय कुमार। क्या नाम था? विजय कुमार। क्या नाम था? विजय कुमार। क्या नाम था? विजय कुमार। मेरे लाडलो प्यार से देखो, गौर से देखो, मेरे लाडलो ध्यान से देखो, राजस्थान विभाग की तरफ से दो बंधु आए थे। कौन आए थे? एक का नाम था पीसी चक्रवर्ती। क्या नाम था? पीसी चक्रवर्ती। दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था विजय कुमार। कौन आया था? विजय कुमार आया था। आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान राजस्थान पुरातात्विक विभाग के दो बंधु आए थे, पीसी चक्रवर्ती और विजय कुमार। कौन आया था? विजय कुमार आया था। किस विभाग की तरफ से आया था? राजस्थान पुरातात्विक विभाग की तरफ से आया था। दोस्तों बात करते हैं इस सभ्यता के उपनाम। किन की बात करते हैं? उपनाम। हाँ मेरे लाडलो ध्यान से देखना, इस सभ्यता के कौन कौन से उपनाम थी, इसे किस किस नाम से जाना जाता है। मेरे लाडलो यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में लगभग आहड़ सभ्यता को लेकर, इनके उपनाम को लेकर दोस्तों पूछा जाता है। तो मेरे लाडलो ध्यान से देखना, इस सभ्यता के कौन कौन से उपनाम हैं, इस सभ्यता के कौन कौन से उपनाम हैं। तो देखना मेरे लाडलो, इस सभ्यता को, इसी सभ्यता को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की नगरी। ताम्रवती सभ्यता की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रवती सभ्यता की नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। मेरे लाडलो ताम्रवती सभ्यता की, ताम्रवती सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता सीकर को कहते हैं, जिनका विकास कांतली नदी के किनारे हुआ था। हाँ दोस्तों शेखावाट की गंगा कहते हैं। चूरू की सीमा पे आने से पहले झुंझुनू जिले के मंडरेला गांव में समाप्त हो जाती है, जो कि खंडेला की पहाड़ियों से निकल कर आती है। कुल लंबाई उसकी 100 किलोमीटर है मेरे लाडलो। और यह सभ्यता आयड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसे ताम्रवती सभ्यता की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। इसे ताम्रवती सभ्यता की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। दूसरा नाम दोस्तों, दूसरा इसे कहा जाता है बनास नदी घाटी की सभ्यता। मेरे लाडलो, इसे बनास नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं क्योंकि बनास नदी की घाटी, बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे इतिहास प्रसिद्ध एक युद्ध भी लड़ा गया था मेरे लाडलो, हल्दी घाटी का, 18 जून 1576 में। और ये बनास नदी चंबल की सहायक नदी है और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है आयड़ नदी। क्या है मेरे लाडलो? आयड़ नामक नदी इसकी सहायक नदी है। इन दोनों की घाटियों में विकसित होने के कारण इसे बनास नदी घाटी संस्कृति की सभ्यता या बनास नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता है मेरे लाडलो, ध्यान रखना। फिर तीसरी बात करें मेरे लाडलो, तीसरा इसका उपनाम मेरे लाडलो, इसे कहा जाता है आघाटपुर। क्या कहा जाता है? आघाटपुर। क्या कहा जाता है? आघाटपुर मेरे लाडलो, आघाटपुर, या इसे कहा जाता है आघाट दुर्ग। क्या कहा जाता है? आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। आघाटपुर की सभ्यता या आघाट दुर्ग की सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ उत्खनन की बात करें तो उत्खनन हुआ था, वहाँ एक टिल्ला मिला था, इसी कारण इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग की सभ्यता कहते हैं। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोग यानी 11वीं शताब्दी के आसपास यहाँ के स्थानीय लोग इसे क्या कहते थे? धूलकोट। क्या कहते थे? धूलकोट। स्थानीय लोग इसे क्या कहते थे? धूलकोट। इसी कारण इसे कहा जाता है धुल्लर कोट की सभ्यता। कौन सी सभ्यता कहते हैं? धुल्लर कोट की सभ्यता कहते हैं मेरे लाडलो, धुल्लर कोट की सभ्यता, धूलकोट की सभ्यता। मेरे लाडलो ध्यान रखना, उत्खनन के दौरान क्या हुआ कि यहाँ एक व्यक्ति उत्खनन कर रहा था और उत्खनन के दौरान उस व्यक्ति को जो पुरातात्विक व्यक्ता था उसे क्या मिला था? एक 40 फीट का गड्ढा मिला था। क्या मिला था? आयताकार आकृति का, किस प्रकार की आकृति का? आयताकार आकृति का एक क्या मिला था? गड्ढा मिला था, जो कैसा था? 40 फीट का था। कितने फीट का था मेरे लाडलो? 40 फीट का। कितने फीट का? 40 फीट का गड्ढा था। और इस गड्ढे से प्रमाण मिले थे पुरातात्विक वेताओं को, मिले थे कि इस सभ्यता का 8 बार क्या हो गया दोस्तों? पतन हो गया। क्या हो गया? पतन, यानी ये 8 बार उजड़ गई थी। कितनी बार उजड़ गई थी? 8 बार। 8 बार उजड़ जाने के बाद पुनः 8 बार बस गई, यानी ये पुनः उत्थान में आ गई, इनका पुनः निर्माण हो गया। इसी कारण 8 बार उजड़ने, 8 बार बसने के कारण इसे कहा जाता है मेरे लाडलो मृतकों के टिल्ले की सभ्यता। मृतकों के टिल्ले की सभ्यता कौन सी सभ्यता कहा जाता है? मृतकों के टिल्ले की सभ्यता कहा जाता है मेरे लाडलो। कृषि पर्यवेक्षकों, तुम लोग जल्दी लग जाओ, हमारे क्षेत्र में भी तुम्हारा नाम होगा, हमारे क्षेत्र में भी अच्छा काम करना तुम लोग, देख लो, पढ़ लो। इसे मृतकों के टिल्ले की सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों के टिल्ले की सभ्यता भी कहते हैं। इसे धूलकोट की सभ्यता, धुल्लर कोट की सभ्यता भी कहते हैं। आघाटपुर या आघाट दुर्ग की सभ्यता कहते हैं। इसे बनास नदी घाटी की सभ्यता, बनास नदी घाटी की सभ्यता। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ये इस सभ्यता की क्या है मेरे लाडलो? उपनाम है। क्या इसके? उपनाम है। अब लाडलो अगली इसकी बात करते हैं विशेषता को लेकर। किसको लेकर? विशेषता को लेकर। इस सभ्यता की विशेषता क्या रही है? इससे पहले दोस्तों मैं आपको इस सभ्यता का कालक्रम बता दूं। क्या इसका कालक्रम मेरे लाडलो? देखना कालक्रम मेरे लाडलो। राजस्थान का एक इतिहासकार हुआ है दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान का एक इतिहासकार है जिसका नाम है गोपीनाथ। क्या नाम है? गोपीनाथ शर्मा। दोस्तों, ये आदमी बड़ा परेशान करेगा राजस्थान के इतिहास में, आपको बार बार इस व्यक्ति का नाम आता है, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा कहता है कि सभ्यता का जो उन्नत काल था, ये सभ्यता जिस काल में प्रचलित थी, जिस काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था, वो काल बताता है कि इस सभ्यता का जो उन्नत काल था वो 1900 ईसा पूर्वी। कौन सा था? 1900 ईसा पूर्वी से 1200 ईसा पूर्वी। कौन सा? 1200 ईसा पूर्वी 1900 ईसा पूर्वी से लेकर 1200 ईसा पूर्वी के मध्य सभ्यता का उन्नत काल रहा है। किसने बताया दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा ने। किसने बताया? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान की प्रसिद्ध इतिहासकार, वही इतिहासकार है जो हल्दी घाटी युद्ध की डेट अलग बताता है 21 जून को बाता, बाकी शिलालेखों में 18 जून मिलती है, परंतु गोपीनाथ ऐसा व्यक्ति है वो कहता है नहीं 18 को नहीं 21 को हुआ था। तो दोस्तों इनके अनुसार भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब लड़ाया गया? 21 जून को। कब लड़ाया गया? 21 जून को लड़ाया गया था। तो ये इस सभ्यता का क्या रहता? कालक्रम रहता। अब मेरे लाडलो बात करते हैं इस सभ्यता की विशेषता की। किसकी बात करते हैं? विशेषता। इस सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? विशेषता मेरे लाडलो देखना, विशेषता मेरे लाडलो देखना विशेषता। मैं विशेषता में आपको दिखाता हूँ, विशेषता में यहाँ के दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ के बात करते हैं मकान। किसकी बात करते हैं? मकान। मेरे दोस्तों सबसे पहले इन लोगों के मकानों की बात कर लेते हैं कि इनके मकान कैसे बने हुए थे। कैसे बने हुए थे इनके मकान? बने हुए थे मेरे दोस्तों कच्ची ईंटों के। किनके बने हुए थे? कच्ची ईंटों के। किनके बने हुए थे? कच्ची ईंटों के। किस प्रकार के मकान बने हुए थे? कच्ची ईंटों के। देखो मेरे प्यारे लाडलो मैं दिखाता हूँ आपको इनके मकान कैसे बने हुए थे। देखो मेरे लाडलो इनके मकान दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बने हुए थे। कैसे बने हुए थे अभी देखो मैं आपको इनके मकान दिखाता हूँ। इस सभ्यता के मकान कैसे बने हुए थे अभी दिखाता हूँ मेरे लाडलो देखना। अभी दिखाता हूँ मैं आपको मकान। ये देखो मेरे लाडलो मकान कच्ची ईंटों के। कैसे बने हुए थे? कच्ची ईंटों के। मकान किससे बने हुए थे? कच्ची ईंटों के बने हुए थे। और कच्ची ईंटों की बात करें तो दोस्तों ये धूप से सुखाई हुई ईंटें थी। और इनकी छत कैसी थी? घास फूस की। कैसी थी? घास फूस की। और लकड़ी की लगाई गई थी बलियां। क्या लगाई गई थी? लकड़ी की बलियां। यानी इनके मकान कच्ची ईंटों को, धूप से सुखाई हुई कच्ची ईंटें। जी मित्रों हम अपने घरों में भी आज भी निर्माण में लेते हैं कच्ची ईंटें। तो इस सभ्यता के लोगों के मकान आप जो देख रहे हो, आप जिस इमेज में जिस चित्र में आप लोग देख रहे हो वहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये इनका मकान बना हुआ है। और ये मकान की छतें देखो घास फूस की और नीचे लकड़ी की बलियाँ दी गई थी। क्या दी गई थी? लकड़ी के बड़े बड़े लट यानी जिन्हें बलियाँ बोलते हैं वो दी गई थी। और मकानों में जो घास फूस प्रयुक्त ली गई थी। क्या ली गई थी? घास फूस। और यहाँ के मकान मेरे दोस्त मकान दिखाई दे रहा ना, ये आयताकार किस आकृति में बने हुए थे दोस्त? आयताकार आकृति में। किस आकृति में बने हुए थे? आयताकार। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के जो मकान है, मेरे दोस्तों मकान बने हुए हैं आयताकार। किस प्रकार आकृति के बने हुए थे दोस्तों? यहाँ से मैं आपको दो प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। एक तो आहड़ सभ्यता के मकान आयताकार दोस्तों, दूसरा कालीबंगा सभ्यता का आकार पूछ लिया जाए तो मेरे लाडलो याद रखना चतुर्भुजा आकार की सभ्यता थी। कालीबंगा नगर चतुर्भुजा आकार आकृति में बसा हुआ था। कैसा बसा हुआ था? चतुर्भुजा आकार आकृति में बसा हुआ था। और आहड़ सभ्यता के जो भी मकान थे वो किस आकृति में बने हुए थे? आयताकार आकृति में बने हुए थे। किस आकृति में बने हुए थे? आयताकार आकृति में बने हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ के मकानों की। और मकानों की विशेषता क्या है? मकान घास फूस से बने हुए थे। इनकी छतें घास फूस की बनी हुई थी। छतों में लकड़ी की बलियाँ लगी हुई थी। मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे। कैसे बने हुए थे? और मकानों की आकृति कैसी थी? आयताकार आकृति थी। कैसी आकृति थी? आयताकार करती थी। मेरे लाडलो इन मकानों की विशेषता। इन मकानों में हमें क्या प्राप्त होते हैं? चूल्हे प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? चूल्हे प्राप्त होते हैं मेरे लाडलो। एक साथ हमें अनेक चूल्हे मिले, परंतु एक घर ऐसा मिला है और उस घर में हमें चूल्हे मिले। कितने मिले? 6 चूल्हे। कितने मिले मेरे दोस्तों? 6 चूल्हे। कितने मिले? 6 चूल्हे मिले हैं। कितने चूल्हे मिले? 6 चूल्हे मिले हैं। तो ध्यान रखना मेरे लाडलो इन मकानों में हमें चूल्हे मिले। और चूल्हे कितने मिले? 6। एक मकान में यानी औसतन इस सभ्यता के एक मकान में, एक घर में यानी एक घर में अधिकांशतः 3 चूल्हा हुआ करता थे। 3 चूल्हे हुआ करते थे। एक मकान ऐसा मिला है जिसमें कितने चूल्हे मिले हैं? 6 चूल्हे। और एक चूल्हा मेरे दोस्त एक मकान में ऐसा चूल्हा मिला है जिस पर मानव हथेली के निशान हाँ मेरे लाडलो याद रखना, एक मकान ऐसा प्राप्त हुए जहाँ से मानो हथेली के क्या मिले, निशान मिले। यहाँ के मकानों में हमें चूल्हे दिखाई देते हैं। एक मकान ऐसा है जहाँ 6 चूल्हे प्राप्त हुए। कितने चूल्हे प्राप्त हुए? 6 चूल्हे प्राप्त हुए। एक चूल्हा ऐसा प्राप्त हुआ जिन पर मानो हथेली के, किसके, मानो हथेली के निशान मिले हैं। मानो हथेली के निशान मिले हैं। कैसे मिले? मानो हथेली के निशान मिले। और यहाँ इन चूल्हों से यह अनुमान लगाया जाता है कि सभ्यता के लोग कैसे थे, ग्रामीण, किस प्रकार के निवास, यानी ग्रामीण सभ्यता के लोग, ग्रामीण सभ्यता। दोस्तों कल हमने पढ़ा था कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी, और आज आहड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये किस प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है, किस प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है, गाँव में बसा हुआ, गाँव की तरह बसा हुआ था, गाँव की जैसी विशेषताएं, गाँव की जैसी संस्कृति, गाँव की जैसी सभ्यता की, गाँव की जैसी रीति रिवाजों की यहाँ झलक दिखाई देती है। तो इस सभ्यता की बात करें ग्रामीण, इसे कहते हैं ग्रामीण परिवेश की सभ्यता। और दूसरी, इस सभ्यता के लोग क्या करते थे? भोजन, यानी 6 चूल्हा मिलने का प्रतीक यह है प्राप्त होता है कि भोजन सामूहिक रूप से क्या करते थे? सामूहिक रूप से करते थे। आज भी हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। गाँवों के अंदर हमें संयुक्त परिवार की फैमिली न देखने को मिल जाती है गांव में, और वो लोग सामूहिक रूप से क्या करते हैं? भोजन करते हैं। इसी प्रकार इस सभ्यता के लोग क्या करते थे? सामूहिक रूप से, यानी इन चूल्हों से अनुमान लगाया जाता है कि ये संयुक्त परिवार में रहते थे, संयुक्त परिवार में सामूहिक रूप से क्या करते थे? भोजन करते थे। तब इसे कहा गया ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता। कौन सी सभ्यता कहते हैं दोस्तों? ग्रामीण। कौन सी कहते हैं? ग्रामीण। ग्रामीण ग्रामीण संस्कृति। किस प्रकार की संस्कृति दिखाई देती है? ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता, क्योंकि यहाँ हमें अधिकांश से जो झलक दिखाई देती है वो ग्रामीण आधार पर है, गाँवों के आधार पर है, गाँवों की जैसी हमें यहाँ झलक दिखाई देती है। दोस्तों देखना आगे इनकी विशेषताओं की, अन्य विशेषताओं की चर्चाएँ करते हैं। अन्य विशेषताओं, अन्य विशेषताओं के कौन कौन से हमें यहाँ से विशेषता प्राप्त हुई है, तो हमें विशेषताओं की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रकार की। तो पहली, हमारे यहाँ के मकान कैसे बने हुए थे? कच्ची ईंटों के बने हुए थे। कैसे बने हुए थे? कच्ची ईंटों के। और मकानों की आकृति कैसी होगी? आयताकार होगी। दूसरी विशेषता देखना मेरे मित्रों, मेरे प्यारे लाडलो, दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता यहाँ की यह मिलती है कि इस सभ्यता के लोगों का जो मुख्य उद्योग था, क्या मुख्य उद्योग, मुख्य उद्योग था वो था ताम्र आधारित, यानी तांबा आधारित था। किस पर आधारित था? तांबा आधारित था। किस पर आधारित था? तांबा आधारित था। दोस्तों यहाँ उत्खनन, पुनः बता देता हूँ मैं, उत्खनन, उत्खनन, यहाँ जो उत्खनन हुआ है, क्या हुआ है? उत्खनन। उत्खनन के दौरान यहाँ 3 स्तर प्राप्त होते हैं। कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 3 स्तर। पहले स्तर की बात करें तो यहाँ पत्थर मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टेफिक। किस प्रकार के? स्टेफिक प्रकार के। किस प्रकार के पत्थर प्राप्त होते हैं? स्टेफिक प्रकार के पत्थर प्राप्त होते हैं। स्टेफिक प्रकार के पत्थरों की बात करूं, पत्थर, पत्थर की बात करूं, स्टेफिक प्रकार के, इस स्टेफिक प्रकार के पत्थरों से क्या बनाते थे? उपकरण। क्या बनाते थे? प्रारंभिक जो उपकरण मिलते हैं, उपकरण यानी औजार। क्या बनाते थे? औजार बनाते थे। क्या बनाते थे? औजार बनाते थे। औजार बनाते थे। क्या बनाते थे? औजार बनाते थे। क्या बनाते थे? औजार। देखिए मेरे लाडलो, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ उत्खनन स्तर 3 प्रकार से किया गया था। पहले स्तर पर, पहले स्टेफिक प्रकार के पत्थर, जहाँ इन पत्थरों से उपकरण और औजार बनाए जाते थे। दूसरे, दूसरे स्तर की बात करें तो दूसरा यहाँ बी स्तर, यानी ए स्तर हो गया, ये बी स्तर हो गया। बी स्तर की बात करें, हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, बी स्तर पर यहाँ हमें मिलते हैं तांबर गलान, यानी तांबे के औजार। किन के मिलते हैं? तांबे के औजार। क्या मिलते हैं? तांबे के औजार मिलते हैं। और सी तीसरे स्तर की बात करें तो यहाँ हमें प्राप्त होते हैं मृद भांड। क्या प्राप्त होते हैं? मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ तीन प्रकार के उत्खनन स्थल प्राप्त होते हैं। पहला स्टेफिक प्रकार के पत्थर, पत्थरों से उपकर्म औजार बनाते थे। दूसरे तांबर के औजार, तांबे के औजार मिलते हैं। तीसरे मृद भांड, मिट्टी के पात्र मिलते हैं। तो इस सभ्यता के मुख्य उद्योग की बात करें तो वो था तांबा। और तांबे के यहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिले, यहाँ औजार मिलते हैं, कुल्हाड़ियाँ मिलती है। क्या मिलती है? कुल्हाड़ियाँ प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कुल्हाड़ियाँ प्राप्त होती है। इनके अलावा तांबे के फरसे, क्या प्राप्त होते हैं? फरसे। इनके अलावा तांबे के बर्तन, क्या प्राप्त होते हैं? बर्तन भी तांबे के प्राप्त हुए हैं। किस प्रकार के? और यहाँ राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जहाँ से तांबा गलाने की क्या प्राप्त हुई है? भट्टियाँ। क्या प्राप्त हुई है? भट्टियाँ। दोस्तों ये मुख्य, इस सभ्यता का मुख्य उद्योग था वो क्या था? तांबर उद्योग, यानी तांबे पर आधारित उद्योग था। तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त होती है, तांबे के फरसे प्राप्त होते हैं, तांबे के बर्तन। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल, राजस्थान का एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल जहाँ से हमें तांबर यानी तांबा गलाने की क्या प्राप्त होती है? भट्टियाँ प्राप्त होती है। मेरे लाडलो, ये इनकी विशेषता है। क्या क्या इनकी विशेषता है? यहाँ तांबे गलाने की भट्टियाँ। राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल है जहाँ से तांबे गलाने की भट्टियाँ। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में शुद्ध 99% जो तांबे के औजार प्राप्त होते हैं वो गणेश्वर सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से। उस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय तांबे का था, परंतु वहाँ से तांबे गलाने की किसी भी प्रकार की क्या नहीं मिली है? भट्टियाँ नहीं मिली है। क्या नहीं मिली है? भट्टियाँ। तांबे गलाने की भट्टियाँ सिर्फ राजस्थान में बात करें तो कहाँ मिलती है? हमें आहड़ सभ्यता से मिलती है। इनके साथ साथ दोस्तों लोहे के औजार भी मिले हैं। लोहे के औजार, कौन से औजार? लोहे के औजार भी अगर पूछा जाए तो दोस्तों कहाँ से मिलते हैं? हमें आहड़ सभ्यता से। कहाँ से मिलते हैं? आहड़ सभ्यता से लोहे के औजार भी मिले मेरे लाडलो, ध्यान से देखना। ओह, लोहे के औजार भी मिले हैं मेरे लाडलों। लोहे के, तांबे के औजार कहाँ से मिलते हैं? हमें आहड़ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो मेरे मित्रों ध्यान से सुनना। इनके अलावा मेरे मित्रों इन लोगों का यहाँ से हमें रंगाई के क्या मिलते हैं? रंगाई छपाई के, किसके मिलते हैं? रंगाई छपाई के क्या मिलते हैं? ठप्पे। क्या मिलते हैं? ठप्पे। यानी इस सभ्यता के लोग रंगाई छपाई से भी परिचित थे। किन से परिचित थे? रंगाई छपाई से भी परिचित थे। किन से थे? रंगाई छपाई के ठप्पे। इनके अलावा दोस्तों यहाँ से आटा पीसने की, क्या पीसने की? आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? आटा पीसने की चक्की प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? आटा पीसने की, यानी रंगाई के ठप्पे प्राप्त होते हैं। रंगाई के ठप्पों के साथ साथ आटा पीसने की क्या प्राप्त होती है? चक्की प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? चक्की प्राप्त होती है। तो यहाँ मेरे दोस्तों याद रखना, आटा पीसने की चक्कियाँ भी मिली है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे अन्य इनकी विशेषताएँ की बात करें तो हमारी अन्य विशेषताएँ। एक मिनट मेरे दोस्तों, मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करना चाहूँगा कि एक मिनट। तो दोस्तों हाँ देखना, जब तक हमारे टेक्निक भैया कुछ कार्य नहीं कर लेते तब तक मैं बात कर रहा हूँ। कालक्रम, गोपीनाथ शर्मा कालक्रम। सर ये आगे नहीं निकल रहा है। कालक्रम हाय मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आगे की इनकी विशेषताएँ की बात करें, यहाँ वही नाम वापस लिखना चाहूँगा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा दोस्तों कहता है कि इस सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे, यानी कृषि कार्य की बात करें तो कृषि कार्य से परिचित थे। इस सभ्यता के लोग कृषि कार्य भी करते थे। क्या करते थे? कृषि कार्य भी करते थे। क्या करते थे? कृषि कार्य करते। और इन्होंने कहा कि इस सभ्यता की जो मुख्य खाद्यान्न की फसलें हैं, मुख्य जो खाने के लिए जो लोग अनाज के रूप में प्रयुक्त लेते थे, उनमें बात करते हैं। एक नंबर पर सर्वाधिक जिनका प्रयोग होता था वो होता था चावल का। किसका होता था? चावल का। दूसरे, 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर चावल के बाद में सर्वाधिक उपयोग करते थे जवार का। किसका उपयोग करते थे? जवार। यानी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बोलता है कि सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे, कृषि कार्य करते थे। कृषि कार्य की बात करें तो मुख्य फसलें मिलती हैं और इन दो फसलों की बात करें, दो फसलें ज्वार और चावल, चावल इनकी मुख्य और दूसरी प्रधान जो मिलती है वो कौन सी थी, ज्वार। कौन सी थी, ज्वार थी। फिर आगे की बात करता हूँ दोस्तों, यह अनाज को सुरक्षित करने या अनाज को सुरक्षित रखने के लिए ये बनाते थे मिट्टी के पात्र। क्या बनाते थे दोस्तों, मिट्टी के पात्र बनाते थे। मिट्टी के पात्रों को कहा जाता है कोठे व गोरे। क्या कहा जाता है, कोठे व गोरे। ध्यान रखना, कोठे व गोरे क्या कहते थे, मिट्टी अनाज रखने के लिए जो मिट्टी के पात्र रखते थे, मिट्टी के पात्रों को क्या कहा जाता है, कोठे व गोरे। इसी कारण से कोठे व गोरे की सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको किस प्रकार के ये अनाज रखते थे, किस प्रकार के मृद भांड रखते थे। अभी देखो दोस्तों, मैं अभी दिखाता हूँ आपको किस प्रकार के, ये देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार के, इस प्रकार के। देखो दोस्तों, ये इस प्रकार के क्या बने हुए थे, अनाज सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के पात्र बने हुए थे। क्या बने हुए थे, मिट्टी के पात्र। इन्हें क्या कहा जाता है, कोठे व गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोठे व गोरे कहा जाता है। इसमें अनाज को सुरक्षित रखते थे, अनाज का भंडारण करके रखते थे ये लोग, इस प्रकार के मिट्टी के, और ये मिट्टी के बने हुए पात्र थे। और ये टेराकोटा आकृति के, किस आकृति के, पक्की भी मिट्टी के बनाते थे। यहाँ हम लोग टेराकोटी आकृति की और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखना दोस्तों, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होते हैं, मिट्टी के पात्र प्राप्त होते हैं, जिसे कोठे व क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोठे व गोरे बोलते हैं। देखना दोस्तों, आगे चलता हूं दोस्तों, कोठे व गोरे की बात करें तो दोस्तों यहां से प्राप्त होते हैं, यहां से प्राप्त होते हैं। इनके बाद आगे की बात करें दोस्तों, यहाँ हमें एक टेराकोटा आकृति की बेल की मूर्ति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, मूर्ति। टेराकोटा आकृति की एक बेल की क्या प्राप्त होती है, मूर्ति प्राप्त होती है, जो कि इस सभ्यता की प्रधान मूर्ति मानी जाती है। उसे संज्ञा दी गई बुनासिल बुल की। किसकी संज्ञा दी गई, बुनासिल बुल। क्या कहा गया, बुनासिल बुल कहा गया। मेरे लाडलो ध्यान से सुनना कि बुनासिल बुल क्या है, बुनासिल बुल टेराकोटा आकृति की। आहड़ सभ्यता में टेराकोटा आकृति की जो मूर्तियां प्राप्त होती है उसे क्या कहा गया है, बुनासिल बुल कहा गया। क्या कहा गया है, बुनासिल बुल की संज्ञा दी गई। जो पुरातात्विक वेता थे, जो उत्खनन वेता थे, उनके द्वारा इसे संज्ञा दी गई। क्या दी गई, बुनासिल बुल की दी गई। दोस्तों ध्यान से सुना, यहाँ से हमें पात्र प्राप्त होता है, पात्र। यहाँ पात्र, और इस पात्र की विशेषता बिना हत्ते का है। कैसा है, बिना हत्ते का। बिना हत्ते का किस प्रकार के, बिना हत्ते का गिलास नुमा। किस प्रकार का है, गिलास नुमा। किसा है, गिलास नुमा, गिलास नुमा। यहाँ से एक पात्र प्राप्त होता है। इस पात्र की विशेषता क्या है, बिना हत्ते का है। कैसा है ये, बिना हत्ते का पात्र है। कैसे, बिना हत्ते का पात्र है, बिना हत्ते का पात्र है। कैसा पात्र है ये, बिना हत्ते का पात्र है। देखना मेरे दोस्तों, ये किस प्रकार का पात्र है, बिना हत्ते का पात्र है। कैसा है, बिना हत्ते का पात्र है। कैसा है, बिना हत्ते का पात्र। और इस पात्रों की बात करें तो ये कैसा है, गिलास नुमा है। कैसा है ये, गिलास नुमा। ऐसे बना हुआ है मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, ये कैसा बना हुआ है, गिलास नुमा बना हुआ है। गिलास नुमा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, गिलास नुमा। ऐसा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, गिलास नुमा। यानी इनकी आकृति गिलास के जैसी है। कैसी है, बिना हत्ते का पात्र है, इसकी आकृति वो कैसी है, गिलास की जैसी आकृति में बना हुआ है। ऐसा पात्र विश्व में हमें मिला है ईरान से। कहाँ से मिला है, ईरान, कहाँ से? ईरान और बलूचिस्तान से। कहाँ से मिला है? बलूचिस्तान से। कहाँ से मिला है? बलूचिस्तान से। ईरान और बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। संभवतः इस सभ्यता के लोगों का जो संबंध था वो किन किन लोगों से था? ईरान और बलूचिस्तान बलूचिस्तान के लोगों से था। किन किन लोगों से था? ईरान और बलूचिस्तान के लोगों से संभवतः इस सभ्यता के लोगों का क्या रहा था? संबंध। और ये संबंध हमें क्या बताता है? बिना हाथे का जलपात्र। क्या बताता है? बिना हाथे का जलपात्र। ये बताता है कि इस सभ्यता का संभवतः जो संबंध रहा है, इस सभ्यता का व्यापारिक या राजनीतिक आर्थिक जो किसी भी प्रकार का संबंध रहा है वो किन से रहा है? ईरान या बलूचिस्तान से रहा है। आगे चलता हूँ दोस्तों, आगे की बात और आगे किन की विशेषताओं की बात करें दोस्तों। यहाँ से हमें यूनान के देवता, कौन से देवता? यूनान के देवता। यूनान के देवताओं की बात करूं तो यूनान के देवता कौन से देवता? यूनानी देवता। और यूनानी देवता है जिनका नाम है अपोलो। क्या नाम है? अपोलो। क्या नाम है? अपोलो। अपोलो अपोलो क्या नाम है? अपोलो। यूनान के देवता अपोलो। हाँ जी दोस्तों, ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ आहड़ सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से हमें 6 मुद्राएं, कितनी मुद्राएं मिलती है? 6 मुद्राएं मिलती है। और इन 6 मुद्राओं की बात करें, इन मुद्राओं पर यूनान का देवता था और यूनान के देवता का नाम क्या था? अपोलो। और अपोलो की बात करें तो अपोलो यहाँ चित्रित किया गया, यानी एक मुद्रा मिली, एक मुद्रा के हेड और टेल, हेड और टेल होता है। हेड की तरफ की बात करें तो वहाँ एक यूनान के देवता अपोलो का चित्र दिखाया गया। और दूसरी तरफ की बात करें तो वहाँ त्रिशूल का अंकन है। किसका है? त्रिशूल का। किनका अंकन है? त्रिशूल का अंकन दिखाया गया है। संभवतः इस सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध है, यह है मुद्रा, यह दर्शाती है कि इस सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध है, व्यापारिक संबंध किन लोगों से रहा होगा? यूनानी लोगों के साथ रहा होगा। किन के साथ रहा है? यूनानी लोगों के साथ इनका व्यापारिक संबंध। ये यूनान से व्यापार के जो बताते हैं कारण ये बताते हैं कि यहाँ एक 6 तांबे की मुद्राएँ प्राप्त होती है और उन मुद्राओं पर यूनान के देवता, कौन से देवता? यूनान के देवता अपोलो के चित्र बने हुए। किन के बने हुए? अपोलो। दूसरी तरफ तीर और तरकस और त्रिशूल के, यानी यूनान के देवता अपोलो तीर और तरकस लेके खड़ा है। और दूसरी तरफ यहाँ है त्रिशूल का अंकन। किनका है? त्रिशूल का अंकन। और ये तांबे के। किनके? तांबे। तो ये मिलना, ये एक प्रकार से संकेत दे रहे हैं कि सभ्यता का जो संबंध है वो यूनान के लोगों से रहा होगा, यूनान के लोगों से इनका संबंध रहा होगा। इनके अलावा यहाँ मृत व्यक्ति का यानी शव का बात करें तो शव का क्या किया जाता था? अंतिम संस्कार। क्या किया जाता था? अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार की बात करें तो अंतिम संस्कार किया जाता था 7 में। और 7 में उनकी जो भी प्रिय वस्तु होती थी, जैसे बात करें आभूषण, क्या? आभूषण। और यहाँ के आभूषण बने हुए थे मिट्टी के। किनके बने हुए थे? मिट्टी के आभूषण बने हुए थे। और आभूषण भी प्रतीक होते हैं, यानी आभूषण जो शव था उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। और अंतिम संस्कार के साथ उनकी जो भी प्रिय वस्तु हुआ करती थी, जैसे आभूषण है, तांबे की कोई मुद्राएँ हैं या उनका कोई बर्तन है, इस प्रकार इन्हें साथ में ही दफना दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। इसी सभ्यता के बारे में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बताता है कि सभ्यता का जो विनाश है, यानी कौन बताता है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। कौन बताता है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बताता है कि इस सभ्यता का जो विनाश है या तो भूकंप से हुआ है। क्या मानता है? भूकंप से। ध्यान रखना, यहाँ से विश्व में सबसे प्राचीनतम भूकंप हमने कल पढ़ा था कालीबंगा से। कहाँ से? विश्व के सबसे प्राचीनतम भूकंप क्या उसी समय कालीबंगा से मिलते हैं। और ये गोपीनाथ शर्मा ये बताता है कि सभ्यता का जो विनाश या तो भूकंप से हुआ होगा या फिर आयड़ नदी, कौन सी नदी? आयड़, या अभी पढ़ा है जिसका नाम क्या है? बेड़च। क्या है? बेड़च। या तो आयड़ नदी या बेड़च नदी की बाढ़ से आयड़ या बेड़च नदी के बाढ़ से और समूल इस सभ्यता का क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये कौन बता रहा है? गोपीनाथ शर्मा बता रहा है। कौन बता रहा है? गोपीनाथ शर्मा बता रहा है। तो ये सभ्यता के विनाश के कारण भी कौन बता रहा है? गोपीनाथ शर्मा बता रहा है। तो मेरे दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आप सब लोगों के समझ में आए। एक बार फिर मैं आप लोगों को इमेज के माध्यम से और बताने का प्रयास करूँ। दोस्तों यह है इमेज आपको काफ़ी सारी छतरियाँ दिखाई देती होगी, दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं आहड़ उदयपुर में। कहाँ है ये? आहड़ उदयपुर की। यहाँ जो उत्खनन मिला है, यानी यहाँ उत्खनन स्थल है, यहाँ समाधियाँ हैं। क्या है? समाधियाँ। और ये समाधियाँ हैं दोस्तों मेवाड़ के शासकों की। क्या है? मेवाड़ के शासकों की। आहड़ मेवाड़ के शासकों। दोस्तों ये आहड़ कभी मेवाड़ साम्राज्य की दूसरी राजधानी रही थी, और यहाँ मेवाड़ के शासकों का जो शाही शमशान स्थल है उसे कहा जाता है, यानी जो समाधियाँ हैं, ये छतरियाँ बनी हुई, इन छतरियों को कहा जाता है महासतियों का समाधि स्थल। क्या कहा जाता है? महासतियों का समाधि स्थल कहा जाता है। ध्यान से सुनना। एक हम राजस्थान की सभ्यता पढ़ते हैं बागोर सभ्यता में उत्खनन के दौरान एक स्तूप प्राप्त हुआ था, उस स्तूप को भी महासतियों का स्तूप कहा गया है। और मेवाड़ के शासकों का जो सामूहिक शमशान स्थल है, मेवाड़ के शासकों के सामूहिक शमशान स्थल को भी क्या नाम दिया गया है? महासतियों का समाधि स्थल। क्या दिया गया है? महासतियों। यहाँ सर्वप्रथम जो छतरी बनाई गई थी वो बनाई गई थी मेवाड़ महाराणा अमर सिंह की। किसकी बनाई गई थी? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह की पहली छतरी बनाई गई थी। किसकी बनाई गई थी? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? जिनके काल में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। तो इनकी पहली छतरी यहाँ बनाई गई थी। बाकी इनके बाद में जो मेवाड़ के लगभग शासक है उनकी छतरियाँ यहाँ बनाई। जैसे महाराणा प्रताप की बात करें तो बांडोली में बनाई गई थी। मेवाड़ महाराणा सांगा की बात करें तो मेवाड़ महाराणा सांगा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 8 खंभों की छतरी बनाई गई थी। तो ये दोस्तों मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान, ये छतरियाँ, उन छतरियों को महासतियों का समाधि स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? महासतियों का समाधि स्थल। और आप लोगों को दर्शन का देखिए दोस्तों, ये इमेज देखिए, यहाँ उत्खनन हुआ था। किसका उत्खनन हुआ था? आहड़ सभ्यता का। ये क्या है? उत्खनन स्थल। क्या है? उत्खनन स्थल। और उत्खनन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान की तरफ पीसी, क्या नाम था? पीसी चक्रवर्ती। कौन था? पीसी चक्रवर्ती। और कौन था? विजय कुमार। और धीरजलाल सांकलिया पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। डॉक्टर वीसी मिश्र आए थे। रतन चंद्र अग्रवाल, यानी 1956 के आसपास लघु स्तर पर सर्वप्रथम इसी ने उत्खनन किया था। तो ये दोस्तों ये उत्खनन के दौरान यहाँ यानी विशेष प्रकार का एक प्राप्त होता है चक्कर, जिसे बोलते हैं कूपचक्कर। क्या बोलते हैं? कूपचक्कर। इस सभ्यता के लोग पानी निकासी के लिए, किसके लिए? पानी निकासी के लिए विशेष प्रकार के मिट्टी के जो पात्र होते थे उन्हें कूपचक्कर बनाते थे, यानी पानी का अवशोषण करने के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी जानते थे। इसी जानकारी को मेरे दोस्तों क्या कहा गया है? कूपचक्कर। क्या कहा गया है? कूपचक्कर कहा गया है। तो ये देख सकते हो आप उत्खनन के दौरान यहाँ कूपचक्कर के, ये कूपचक्कर है। यहाँ आसपास में देखो किस प्रकार की वनस्पति दिखाई दे रही है। देखिए आगे की बात करता हूँ। आगे देखिए ये क्या मिले थे यहाँ? स्टेफिक। किस प्रकार के? स्टेफिक प्रकार के पत्थरों के औजार। क्या मिले थे? स्टेफिक प्रकार के पत्थरों के औजार मिले थे। मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, स्टेफिक प्रकार के पत्थरों के औजार मिले थे। ध्यान से देखना कहाँ से मिले थे? आहड़ सभ्यता। इसे कहाँ से मिले थे? आहड़ सभ्यता। और दर्शन करवाता हूँ मेरे लाडलो। और दर्शन की बात करूँ मेरे लाडलो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे कोठे व गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोठे। ये देख लो दोस्तों, एक घर के अंदर सामूहिक मकान क्या मिले थे? एक घर के अंदर सामूहिक मकानों की, ये इस प्रकार से अलग अलग मकान बना हुआ है। इन मकानों की आकृति देखो कैसे दोस्तों आयताकार दिखाई दे रही है या नहीं दे रही? आयताकार दिखाई दे रही है ना मेरे लाडलो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिखाई दे रही है या नहीं दे रही? ये तस्वीरें आपके लिए काफ़ी सिद्ध ये देखिए दोस्तों, यही सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ के मकान देखो कच्ची ईंटों से बने हुए, घास फूस के बने हुए। आगे और चलता हूँ दोस्तों, ये देखिए नदी, देखिए कितना सुंदर दृश्य, कितना सोना दृश्य है दोस्तों, कितना अच्छा दृश्य है। देखिए ये नदियाँ जा रही है, नदियाँ बह रही है, कल 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 सर 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 करती नदियाँ बह रही है दोस्तों। देखिए किस प्रकार से, ये वो नदी है जिसे आयड़ नदी बोलते हैं। कौन सी? आयड़। या इसी नदी को क्या बोलते हैं? बेड़च नदी। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छी तरीके से देख सकते हो किस प्रकार की नदियाँ, कितना सुहाना है, कितना अच्छा है। और ये जाकर किस में मिलती है? ये बनास नदी में मिलती है मेरे दोस्तों, बनास नदी। बनास, इसी कारण सभ्यता को बनास नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं? बनास नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। और देखिए मेरे लाडलो, ये देखिए उदयपुर, उदयपुर ये देखिए दोस्तों उदयपुर। और ये देखिए हमारा सभ्यता स्थल, जिस सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे वो सभ्यता स्थल। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्तों ये वीडियो आपके जीवन में काफ़ी कारागार सिद्ध होगा, आपको सफलता दिलाने में मददगार होगा। इनके अलावा मेरी आपको जो भी नोट्स हैं इसके, जो भी मैंने आपको डिटेल्स दी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और हमारे सर आपको एग्रीकल्चर के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें, संग्रिया एग्रीकल्चर जोन्स के द्वारा आपको बहुत अच्छी अच्छी सामग्री, अच्छा मेटर दिया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में मेवाड़ के महाराणा कुंभा को लेकर आऊँगा, मेवाड़ के महाराणाओं के महाराणा, राजस्थान का दुर्गा धीराज। तो दोस्तों नमस्कार, चलता हूँ।